सो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग? देख रहे हैं रॉयल एसपी गेमिंग यूट्यूब चैनल, और आज मैं खेल रहा हूँ मॉडेड माइनक्राफ्ट। तो अगले एपिसोड में आपने देखा था कि मैं गया था एंशिएंट डेब्रिस माइन कर ले, और काफ़ी सारे मैंने एंशिएंट डेब्रिस भी माइन किए हैं, और काफ़ी सारे नहीं है वैसे, 10 ही है। तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, तो ये रहा है एंशिएंट डेब्रिस, और मुझे काफ़ी सारा गोल्ड मिला था वहाँ से, जो कि एक अच्छी बात है। और अभी मेरे पास जो आर्मर है वो तो फुल एंशिएंट है, और इसकी ड्यूरेबिलिटी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने उसे एक डायमंड से ठीक कर दिया पूरा, और 52 XP देख रहे हो। ये सारी चीज़ें गोल्ड की वजह से हुई है। तो चलिए चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ। तो गाइस, आपको पता ही है मेरे पास अभी काफ़ी सारे TNT है, जो कि कुछ ज़्यादा ही मैंने बना रखे है, तो ये भी मैं माइंड के लिए यूज़ करने वाला हूँ। और एक और चीज़ मैंने यहाँ थोड़ा मॉडिफाई किया है, और यहाँ मेरे पास 1-3 यानी 30 वेदर हेड है, जो कि एक काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि इतने सारे वेदर हेड कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। पर मैंने आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ कैसे मैंने कलेक्ट किया। तो मैंने यहाँ, आपको पता है मैंने वेदर का एक डाला है, तो मैं यहाँ थोड़ी देर एएफ के रहता हूँ, और मुझे काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है, तो वो आप देख ही सकते हो। अभी यहाँ वेदर आया है, तो मैं इन वेदर को मारूंगा, तो उन वेदर से मुझे कुछ ना कुछ तो ड्रॉप मिल ही जाएगा, जैसे कोल मिलेगा या तो मुझे वेदर हेड मिलेगा। तो देखते हैं इससे क्या मिलता है। ओके, तो इसने तो कुछ ड्रॉप नहीं किया। तो वो सारी चीज़ें रैंडम होती है, जो रैंडमली ड्रॉप होती है। और वैसे ही मैंने ब्लेस का स्पॉनर किया, और मुझे काफ़ी सारे ब्लेस के वो मिल गए। तो अभी मैं अपने बाकी के टूल्स बनाकर उसे इंचेंट करने वाला हूँ। तो पहले तो मुझे काफ़ी सारे स्टिक चाहिए, तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ स्टिक्स, यानी स्टिक बना लेता हूँ, क्योंकि यार बाकी के टूल्स भी हमारे ज़रूरी है, जो कि डायमंड के होंगे ऑब्वियसली। और वैसे मेरे पास 2 पिकेक्स तो है ही, तो भी मुझे एक चाहिए शॉवल और एक एक्स, और मुझे वो वाली पिकेक्स भी फिर से इंचेंट करनी है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ सिल्टज है ना। मैंने ये बनाया था पोशन जाम, वैसे मैं इसीलिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था इसके ऊपर ही, और वैसे ये बनाना कुछ ज़्यादा वो नहीं है। तो ये रहा पोशन जाम, तो ये बनाना कुछ ज़्यादा ही आसान है, और मेरे पास सारी चीज़ें थी तो मैंने बना लिया। एक एक बंदा पूछ रहा था ये रीजनरेशन कैसे मिला है, तो मैंने एक रीजनरेशन की रिंग बनाई थी, ये रही रीजनरेशन, तो इससे ही मुझे रीजनरेशन मिल जाता है, और इसे मैंने यूज़ किया, तो अभी मुझे कुछ भी इफेक्ट नहीं मिल रहा, तो ये किसी काम का नहीं है। इससे अच्छा तो ये दोनों है, ये रीजनरेशन और ये मैजिक एमुलेट। तो ये रिंग से ही मुझे रीजनरेशन मिलता है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ वीडियो पूरा देखो। और अभी आप न्यू हो चैनल पे, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो भी देखते हैं हमें कितनी चीज़ें मिलती है इसके। मुझे सारे टूल्स और सारी चीज़ें नेदरराइट की बनानी है, तो उसके लिए ज़रूरी है माइन करना, और उसके बहाने मैं उसी बहाने मैं अपनी माइन भी आपको दिखा लूँगा। मैंने काफ़ी ज़्यादा माइन की है, तो एक गोल्ड का बना लेते हैं। यहाँ से मेरी माइन जाती है, बाकी तो मैं ऑफलाइन कर लूँगा। ओके, 2 मिले, क्या बात है, सोने पे सुहागा हो गया। जब नहीं मिलना था तब कुछ नहीं मिला, और मिला तभी एक साथ चार चार। चलो एक TNT यही भी फोड़ के देख लेते हैं, क्योंकि इसके आसपास भी जो भी होंगे वो सब निकल जाएगा।
यस, ये रहा एक और। तो मैं बेस पर आ चुका हूँ और काफ़ी सारे, वैसे काफ़ी सारे नहीं, 15 इंच डेब्रिस हो चुके हैं। तो मैं जब ये गोल्ड नगेट वाले को यहाँ क्रश करूँगा तो मुझे 7 मिलेंगे। तो देख रहे हो, इजी गोल्ड फार्म। तो इसीलिए मेरे पास 44 ब्लॉक है और भी काफ़ी सारे इसके अंदर भी है। और यहाँ मैं एंशिएंट डेब्रिस स्मेल्ट करने के लिए रख देता हूँ और उससे स्क्रैप बना दूंगा। तो यहाँ मैंने डाल दिया है और यहाँ इसे चालू कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी स्मेल्ट होना, तो इसे थोड़ी देर रहने देते हैं। और हाँ, एक और चीज़ कि यहाँ हम ब्लेज रोड से भी हम वो स्मेल्ट कर सकते हैं चीज़ें, तो वो एक सही चीज़ है। तो गाइस, ये वाला वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और आप सभी का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है मुझे, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नए गेमिंग एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।